ना हेलो सर, आज आप लोग को दिखाऊंगा जो बांबू का जो राइजोम होता है, जो पुराना 6-7 साल 8 साल 10 साल पुराना जो खेत होता है, वहाँ से राइजोम उठा के, पुराना बांबू का जो राइजोम होता है वो उठा के कैसे प्लांटेशन करेंगे वो आज आप लोग को दिखाऊंगा। और वो प्लांटेशन मतलब कैसे सक्सेस होता है ये भी दिखाऊंगा आप लोग को। मतलब 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर में उसमें नया ये आ जाता है, तो कैसे आते हैं ये आज पूरा आप लोग को दिखाऊंगा इस वीडियो के ज़रिए। ये राइजोम है, ये पुराना बाम्बू का जो खेत है वो खेत का जो ये दिखे, ये राइजोम उठा रहा है, ये मैच्योर्ड है, मैच्योर्ड फुल मैच्योर्ड बैम्बू ऊपर से काट के ये नीचे का जो राइजोम है ये उठा रहा है। उठा के अभी हम कैसे लगाना है ये पूरा आज इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। तो आप लोग को दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि कैसे लगाना चाहिए। एक्चुअली ये बारिश का टाइम में उठाने से एकदम उसका जो सटीक टाइम होता है, ये आपका बारिश का मौसम में जून जुलाई अगस्त में लगाना चाहिए। उसी टाइम में लगाने से ये आपका सक्सेस रेट ज़्यादा रहता है, मतलब 100% सक्सेस रहता है। और ये बम्बू बारिश में ही लगाते हैं ज़्यादातर, तो बारिश का टाइम में अगर आपका पास पुराना झाड़ है बेम्बू का, तो वो बेम्बू काट के आप राइजोम उठा के फिर आप धीरे धीरे उसको प्लांटेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग कैसे उठा रहे हैं, उसको उठाने में भी बहुत ये है, ये जो उठाया है ये, अगर इसमें रूट्स भी आपको रूट्स पूरा निकालना पड़ेगा, रूट्स अगर नहीं आया तो भी मरने का चांस ज़्यादा रहता है। ये देखिए इधर गड्ढा करके ये आप 2 फीट बाई 1 फीट डायमीटर 2 फीट और गड्ढा 1 फीट करके, गड्ढा 1 फीट बाई 2 फीट में गड्ढा करके ये आपका ये देखिए, मैं थोड़ा बड़ा करा रहा हूँ मतलब आपको दिखाने के लिए, थोड़ा छोटा करने से भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को दिखाने के लिए ये गड्ढा थोड़ा बड़ा किया है, और गड्ढा जितना बड़ा होगा बम्बू उतना जल्दी बढ़ेगा, उसका ग्रोथ ज़्यादा पकड़ेगा। और इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे, पानी डाल के मिट्टी को गीला बना देंगे, गीला बना के पूरा गीला करके, मिट्टी को पूरा गीला करके फिर राइजोम को लगाएंगे। मिट्टी गीला करने से क्या होता है, ये देखिए 1 फीट हो गया है नीचे की तरफ 1 फीट और डाया 2 फीट करके, फिर उसमें ये जो मिट्टी है उसमें पानी डाल के इसको पूरा गीला करेंगे। गीला करके उसमें राइजोम लगाने से क्या होता है, आपका नीचे का मिट्टी गीला रहता है तो वो जो रूट्स है बेम्बू का, राइजोम का जो रूट्स है, ये देखिए ये जो नया नया रूट्स निकल रहा है, ये रूट्स को पानी मिल जाता है अगर पहले पानी आप डाल देते हैं लगाने से पहले, राइजोम को लगाने से पहले पानी डालने से ये नया नया जो रूट्स आ रहा है ये देखिए, ये सब ज़िंदा हो जाता है। ये जब ज़िंदा हो जाएगा तो बाम्बू हो जाएगा, अगर ये नया रूट्स मर गया तो बाम्बू मर जाएगा। तो इसलिए राइजोम लगाने से पहले गड्ढा में पानी डाल के उसको गीला करके, गड्ढा को पूरा पानी डाल के गीला करके फिर राइजोम लगाने से वो ज़्यादा सक्सेस होता है। ये देखिए मिट्टी पूरा सूखा हुआ है, इसमें अभी पानी डाल के उसको गीला करके फिर राइजोम को लगाएंगे। उसमें दवा खाद कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिट्टी, हम उसको खाद भी नहीं डालते, कुछ दवा भी नहीं डालते, वो ऐसे ही हो जाता है। ये देखिए अभी पूरा गीला कर दिया, अभी पूरा गीला हो गया है, तो आप लोग बाम्बू का राइजोम लगाने का अगर ये है तो आप ऐसे तरीक़े से लगाइएगा जैसे अभी दिखा रहा हूँ। ऐसे लगाने से आपका एकदम 100% राइजोम और बाम्बू का जो खेत है ये 100% आपका होगा, इसमें मरने का कोई चांस नहीं रहता है। ये देखिए अभी इसको ये गीला मिट्टी में डाल दिया रूट्स को, तो अभी रूट्स नीचे वाला जो नया नया रूट्स आप लोग को दिखाया था, इसको अभी पूरा पानी मिलेगा, और लगाने का बाद में अगर पानी आप डालेंगे ऊपर में तो नीचे तक पानी नहीं जा पाता है, नीचे नहीं जा पाता है और बाम्बू मर जाता है। ऊपर से दिखता है कि ये अभी तक ज़िंदा है लेकिन अंदर में वो मर जाता है नीचे से, और रूट्स मर जाता है, फिर धीरे धीरे 1 महीना बाद में आपको पता चलेगा कि ये मर गया है। इसलिए ये पहले पानी डाल दीजिए, डाल के मिट्टी को गीला करके फिर ऐसे आप राइजोम लगा के फिर ऊपर में सूखा मिट्टी डाल दीजिए। ये जो ड्राई मिट्टी है इसको ऊपर डालने से क्या होगा, आपका अभी नीचे का जो गीला मिट्टी है
वो जल्दी नहीं सूखेगा, कम से कम एक हफ्ता लगेगा उसको सूखने के लिए, क्योंकि ऊपर में आपने और 1.5-2 फीट सूखा जो ड्राई मिट्टी है, सूखा मिट्टी आपने ऊपर डाल दिया 1 फीट 1.5 फीट, और अंदर में 1-1.5 फीट अंदर में है गीला मिट्टी, इसलिए वो अंदर का जो गीला मिट्टी है वो सूखने का कोई चांस नहीं है, मतलब वो 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा सूखने में। तो इसके अंदर में क्या होगा, ये 1 हफ्ते 10 दिन में ये बाम्बू में रूट्स आ जाएगा, नया शूट जो है, नया रूट्स जो है ये ग्रो करने लगेगा। ये देखिए, ये थोड़ा मिट्टी ऊपर में जितना ज़्यादा आप डालेंगे उतना अच्छा है। ये दो राइजम एक साथ लगाया तो ये अभी पूरा इसमें जड़ बन जाएगा, पूरा बाम्बू का ये जो दो लगाया है इसमें 3 साल 4 साल 5 साल में ये पूरा खेत पूरा जड़ बन जाएगा, मतलब बाम्बू का। और इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहले 1 महीना 1.5 महीना तक थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। अभी तो लगा दिया आप, अभी पानी डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी अंदर में उसको पानी है, ये 1 हफ्ता 10 दिन रहेगा वो पानी अंदर में। ऊपर में 1.5-2 फीट थोड़ा ऊँचा करके, मतलब मिट्टी ज़्यादा थोड़ा डालने से अच्छा है बाम्बू के लिए, ज़्यादा निकलता है साइड से नया शूट। ऐसे मिट्टी, पूरा मिट्टी डाल के ये देखिए, जितना ऊपर में मिट्टी डालेंगे उतना अच्छा है बाम्बू के लिए। तो आज आप लोग को दिखाया कि बाम्बू का जो राइजोम है, राइजोम प्लांटेशन कैसे करना है। तो ये है तरीका बाम्बू प्लांटेशन करने का, और ये राइजोम को लगाने का तरीका है। अगर आप पौधा लगा रहे हैं सीड का पौधा, तो उसको आप 1 फीट बाई 1 फीट का भी गड्ढा करने से होगा, लेकिन कोई भी बाम्बू का पौधा हो, लगाने से पहले जो आप गड्ढा करेंगे वो गड्ढा में पहले पानी दे दीजिएगा, पानी दे के फिर पौधा लगाएगा बाद में, ताकि पौधा का जो रूट्स है, रूट्स को पूरा पानी मिलता रहे। आप ऊपर से जितना भी पानी डालेंगे वो ज़मीन का एकदम जो रूट्स है, रूट्स का नीचे नहीं जाता है पानी, इसलिए बाम्बू मरने का चांस रहता है ज़्यादा। तो इसलिए आप पानी पहले डाल दीजिएगा गड्ढे में, फिर लगाइएगा, तो रूट्स को भी जल्दी ग्रो करेगा, रूट्स जो नीचे रहता है रूट्स को पानी मिलता रहेगा, वो जल्दी ग्रो करेगा तो बाम्बू निकल आएगा। तो थैंक यू, आज आप लोग के लिए ये राइजोम लगाने का तरीका बताया। तो कल देखेंगे और नया, और एक दो ये आप लोग को दिखाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सर।